नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोबल नाउ 24/7 और मैं हूं आपके साथ प्रांजल आर्या। कोरोना वायरस किसने फैलाया? आज भी सवाल के जवाब में हर कोई चीन का ही नाम लेगा। चीन ने सबसे पहले कोरोना से अपने आप को रिकवर किया, मगर एक बार फिर से कोविड ने चाइना में अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। हालात इतने बुरे हो गए हैं कि चीन में कोविड की वजह से लॉकडाउन की नौबत आ गई है। लोग घरों में कैद होने को मजबूर हैं, फ्लाइट्स रद्द हैं, स्कूल बंद हैं, सब जगह रेड जोन ही रेड जोन नजर आ रहा है। लेकिन आखिर कोरोना से रिकवर हो चुके चीन की झोली में वापस से कोरोना किसने फेंका? इसका जवाब है अ टूरिस्ट ग्रुप ऑफ पीपल। सितंबर के बाद से कोविड के केसेस तेजी से चीन में बढ़ रहे हैं। नेशनल हेल्थ कमीशन के मुताबिक इनर मंगोलिया में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। हुनान और शांची प्रांत में भी मामले सामने आए हैं। विदेशों से आने वाले करीब 25 से ज्यादा लोग भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। सोमवार को 19 सिम्प्टोमेटिक मरीज भी सामने आए हैं। सरकार के मुताबिक फिलहाल कोरोना की वजह से किसी की मौत नहीं हुई है। यहां बड़े पैमाने पर कोविड 19 की टेस्टिंग शुरू हो गई है। इसको देखते हुए लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने बड़े पैमाने पर कोविड टेस्टिंग भी शुरू कर दी है। चीन में शुक्रवार को कोरोना वायरस के 32 नए मामले सामने आए, जिनमें 4 मरीज बीजिंग से हैं। बीजिंग में इस महामारी के मामले बढ़ने से अधिकारियों के मन में अगले साल होने वाले विंटर ओलंपिक्स से पहले चिंता घर कर गई है। हालांकि चीन ने फिलहाल इसे कोविड की तीसरी लहर नहीं माना है, लेकिन वो एहतियात बरतने में दुनिया के तमाम मुल्कों से बहुत आगे है, क्योंकि इस वायरस के खतरे का रहस्य उससे ज्यादा कोई और समझ नहीं पाया है। लिहाजा चीन के लिए ये सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात है, क्योंकि जब पूरी दुनिया इस महामारी से जूझ रही थी तब भी बीजिंग में कोविड का एक भी केस सामने नहीं आया था। मगर अब ऐसा क्या हुआ है कि एकदम से चीन में कोविड ने वापस से अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं? इसके पीछे है ड्रैगन की वही भूल। चीनी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन में पहले की तरह इस बार भी पूरी तरह से प्रतिबंध हटा लिए गए थे। जब पूरी दुनिया कोरोना के कहर से कराह रही थी, तब चीन में कई जगहों पर पब्लिक सेलिब्रेशन की तस्वीरें भी सामने आई थी। कारोबार को बढ़ावा दिया जा रहा था। सबसे बड़ी बात ये कि प्रॉपर इंस्पेक्शन के बिना ही वहां की सरकार ने मान लिया था कि अब चीन में कोरोना लौटने की कोई संभावना नहीं है। हालांकि हालात आपके सामने हैं, चीन में फिर से कोरोना विस्फोट हो चुका है। ये दूसरे देशों के लिए एक अलर्ट है, खासतौर पर भारत के लिए, क्योंकि कोविड की सेकेंड वेव के दौरान भारत का क्या हाल हुआ ये जग जाहिर है। आप देख रहे हैं ग्लोबल नाउ 24/7। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद। सबसे बड़ी बात ये कि प्रॉपर इंस्पेक्शन के बिना ही वहां की सरकार ने मान लिया था कि अब चीन में कोरोना लौटने की कोई संभावना नहीं है। हालांकि हालात आपके सामने हैं, चीन में फिर से कोरोना विस्फोट हो चुका है। ये दूसरे देशों के लिए एक अलर्ट है, खासतौर पर भारत के लिए, क्योंकि कोविड की सेकेंड वेव के दौरान भारत का क्या हाल हुआ ये जग जाहिर है। आप देख रहे हैं ग्लोबल नाउ 24/7। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।